नमस्कार, मैं तनु शर्मा आप सभी को स्वागत करती हूँ आईएमटी मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। दिल्ली के सिंहासन पर आज के दिन बैठा था मुगल बादशाह बाबर। मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। बाबर ने 1504 में काबुल और 1507 में कंधार को जीतकर बादशाह यानी शाहों का शाह की उपाधि धारण की थी। बाबर ने 1519 से 1526 के बीच भारत पर 5 बार आक्रमण किया, लेकिन 1526 में पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर उसने दिल्ली पर कब्जा किया। बाबर को मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है। आज के दिन पृथ्वी पर वापस लौटा था अपोलो 16। 27 अप्रैल 1972 को अमेरिकी स्पेस शटल अपोलो 16 धरती पर वापस लौटा था। इस मिशन में गए सभी एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक जमीन पर वापस आ गए थे और इसी के साथ उन सबका नाम इतिहास में दर्ज हो गया था। यह मिशन चांद और अंतरिक्ष के बारे में जानने के लिए बहुत उपयोगी साबित हुआ था। अपोलो 16 मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को एक खास वाहन दिया गया था जिससे वे चांद की सतह पर तेज सफर कर सकें। इस मिशन में कई अहम जानकारियां इकट्ठा की गई थी। परमाणु बमों के परीक्षण से आज के दिन दहला था अमेरिका। 27 अप्रैल 1967 को अमेरिका ने नेवाडा में परमाणु बमों के परीक्षण किए थे। इस दौरान 50 से ज्यादा परमाणु बमों का परीक्षण किया गया था। इन बमों की ताकत इतनी ज्यादा थी कि लास वेगास में कैसीनो के शीशे टूटे थे और आम लोगों में भय व्याप्त हो गया था। परमाणु बमों के परीक्षण से हो रहे नुकसान को देखते हुए बाद में इसे रोक दिया गया था। माना जाता है कि ये बम उन बमों से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक थे जिन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा और नागासिमा पर गिराया गया था। बहुमुखी प्रतिभा की धनी जोहरा सहगल का आज के दिन हुआ था जन्म। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री और बहुमुखी प्रतिभा की धनी जोहरा सहगल का जन्म 27 अप्रैल 1912 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हुआ था। जोहरा सहगल की एक्टिंग में हमेशा गांव की झलक देखने को मिलती थी। मुंबई आने पर उन्होंने एक्टिंग को करियर बनाने का सोचा और काफी समय तक थिएटर किया, बाद में फिल्मों में आई। जोहरा सहगल ने 95 साल की उम्र तक फिल्मों में विभिन्न किरदार निभाए। उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर भेंट होगी इतिहास में दर्ज कुछ और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। और अब आज का राशिफल। आज का राशिफल ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञान भूषण जी द्वारा 27 अप्रैल दिन मंगलवार। आज के भाग्य की विषय वस्तु है उत्साह। मेष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। उत्साह एवं पराक्रम के चलते कार्यों में सिद्धि संभव होगी। नए मेहमान के आगमन से खुशियां भी आने वाली हैं। संतान को कष्ट हो सकता है। कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला व काला। वृष, आपके उत्साह के लिए भाग्य 41%। हर्ष में उल्लास का वातावरण बना रहेगा। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। कारोबार में आशा के अनुरूप फायदा होगा। व्यवसायियों के लाभ में वृद्धि होगी। व्यर्थ की परेशानियों के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग नीला व सफेद। मिथुन, मन के सुख के लिए भाग्य 46%। धन अर्जित करने के बेहतरीन अवसर मिलेंगे। आय के साधन बढ़ेंगे। विदेश यात्रा के योग हैं। मानसिक तनाव कम होने के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग हरा। कर्क, आपके उत्साह के लिए भाग्य 59%। परीक्षार्थियों के लिए उपलब्धि का समय बना हुआ है। करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। किस्मत आपके साथ है। परीक्षा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग नारंगी व सफेद तथा निषेध रंग हरा व सिंदूरी। सिंह, आपके उत्साह के लिए भाग्य 75%। मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आर्थिक मोर्चे पर धन की आवक धीमी रहेगी। खर्च अधिक होंगे। स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहें। विद्यार्थियों का मन अनुकूल संस्थान में प्रवेश प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग लाल व सिंदूरी तथा निषेध रंग जामनी व स्लेटी। कन्या, आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। सेहत का ध्यान रखें। जैसा आप चाहते हैं वैसे ही समय गुजरेगा। कार्य क्षमता के अनुपात में सफलता मिल सकती है। उत्साह बढ़ा रहेगा। औरों से आगे निकलते नजर आएंगे। परीक्षार्थियों को अपेक्षित परिणाम प्राप्ति के योग हैं। शुभ रंग हल्का हरा तथा निषेध रंग सिंदूरी।
तुला आपके उत्साह के लिए भाग्य 45%। जीवन साथी द्वारा परिवार में नकारात्मकता फैल सकती है। मेहनत का सार्थक फल नहीं मिलने के कारण निराशा होगी। अनावश्यक वाद विवाद में ना पड़े, वाणी व आचरण पर संयम रखे, अपमान के योग हैं। शुभ रंग नारंगी तथा निषेध रंग सफेद। वृश्चिक आपके उत्साह के लिए भाग्य 90%। किसी आनंदोत्सव में भाग लेने का मौका मिल सकता है। यात्रा मनोरंजक रहेगी। कानूनी अड़चने दूर होकर लाभ की स्थिति बनेगी। घर परिवार में मांगलिक कार्य संभव हैं। जीवन में कुछ कमी का अनुभव कर सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग सिंदूरी व लाल तथा निषेध रंग काला व नीला। धनु आपके उत्साह के लिए भाग्य 77%। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होने की संभावना है। परिवार में किसी समारोह का आयोजन किए जाने की संभावना है। इस पार्टी में आप आकर्षण का केंद्र बिंदु बन सकते हैं। शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। व्यर्थ की चिंता व तनाव होने के योग हैं। शुभ रंग पीला व सिंदूरी तथा निषेध रंग हरा व बैंगनी। मकर आपके उत्साह के लिए भाग्य 54%। नौकरी पैसा जातकों के स्थानांतरण का योग है। स्वास्थ्य से संबंधित शिकायत भी हो सकती है। आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। कार्यालय में आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। शुभ रंग आसमानी नारंगी तथा निषेध रंग मेहरून गुलाबी। कुंभ आपके उत्साह के लिए भाग्य 55%। स्वास्थ्य संबंधित तकलीफ हो सकती है। आप विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को आकर्षित करेंगे। परिवारजनों से संबंधों में भी मतभेद हो सकते हैं। कारोबार में लाभ के योग हैं। शुभ रंग स्टील ग्रे तथा निषेध रंग नारंगी। मीन आपके उत्साह के लिए भाग्य 78%। घरेलू समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अचानक धन लाभ के योग हैं। पारिवारिक समस्याओं के कारण मन खिन्न हो सकता है। वाणी पर संयम रखे, अपमानित होने के योग हैं। शुभ रंग पीला लाल सिंदूरी तथा निषेध रंग नीला जामनी स्लेटी। सभी के लिए दिन का नकारात्मक प्रभावी समय दोपहर 3:50 से 5:35 तक। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ज्योतिष वैज्ञानिक गुरुदेव भारत ज्ञानभूषण जी को 0121-266-888 या 0983706-0046 पर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए IIMT मीडिया।